नमस्कार, मैं हूं ईशानी प्रियम और आप देख रहे हैं lifecities.in। तो चलिए नजर डालते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरों पर। पटना में जेडीयू समाज सुधार वाहिनी महासम्मेलन, सीएम नीतीश ने इसके गठन पर जताई खुशी। बोले, पंचायती राज में 50% आरक्षण महिलाओं को दिया, लड़कियों के लिए भी पोशाक और साइकिल योजना लागू। सुपौल में त्रिवेणीगंज गर्ल्स हॉस्टल में छात्राओं की पिटाई मामला, घटना के दो मुख्य अभियुक्त हरि और मोहन की हुई गिरफ्तारी। एसपी मृत्युंजय चौधरी का बयान, 9 लोगों पर हुई एफआईआर, 4 संदिग्ध हिरासत में, स्कूल में रहेगा गार्ड, मजिस्ट्रेट की भी हुई प्रतिनियुक्ति। सुपौल मामले में शिक्षा विभाग की उदासीनता, विभाग ने शिक्षा मंत्री को नहीं दी थी इसकी जानकारी। शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने दिया बयान, मामले की जानकारी लेकर करेंगे उचित कार्रवाई। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की तबीयत में सुधार नहीं, रिम्स ने जारी किया लालू यादव का मेडिकल बुलेटिन। ब्लड शुगर बढ़ने से आ रहे बार बार चक्कर, बिना अटेंडेंट बेड से उतरने पर डॉक्टरों ने की मनाही। बिहार में बीजेपी नेताओं को दिखाए जा रहे काले झंडे, भागलपुर में आज शहनवाज हुसैन हुए इसके शिकार। स्टेशन चौक इलाके में सवर्ण सेना ने दिखाया काला झंडा, SC ST एक्ट के खिलाफ हो रहा विरोध प्रदर्शन। गुजरात में बिहारियों पर हमले को लेकर सियासत तेज, तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, ट्वीट कर इस घटना को बताया शर्मनाक। बोले, बीजेपी RSS बन गई घृणा और हिंसा की नर्सरी। बिहारियों की पिटाई मामले पर सुशील मोदी का पलटवार, ट्वीट कर लगाया कांग्रेस पर हमले का आरोप। बोले, राहुल गांधी को पता चल गया राजनीतिक औकात, हताशा में उनकी पार्टी करवा रही है लोगों पर हमले। पटना में CPI 25 अक्टूबर को करेगी रैली, राहुल गांधी और शरद यादव को भी भेजा गया निमंत्रण। चुनाव के लिए CPI ने ठोका 6 सीटों पर दावा, बेगूसराय, मधुबनी, जमुई, मोतिहारी, खगड़िया और बांका में लड़ेगी चुनाव। बिहार के कई जेलों में की गई छापेमारी, बक्सर, बेगूसराय, शेखपुरा, अररिया, भागलपुर में छापेमारी। पटना के बेऊर जेल में भी प्रशासन ने मारा छापा, मोबाइल समेत कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद। आज से हमसफर एक्सप्रेस की हुई शुरुआत, केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने दिखाई हरी झंडी, पाटलिपुत्रा जंक्शन से उदयपुर तक जाएगी ट्रेन, सप्ताह में 3 दिन चलाने का मंत्री ने दिया आश्वासन। तो ये थी आज दिन भर की बड़ी खबरें, आप बने रहें lifecities.in के साथ। नमस्कार।